لا إله إلا الله محمد رسول الله. एक नया शादी शुदा लड़का है जिसे साल भी नहीं हुआ, तबलीगी जमात इसे पेशकश करती है 40 दिन या 4 महीने के लिए किया जाए, बीवी को भी लेके चला जाए। भाई भाई वो जिसकी नई नई शादी हुई तबलीग वालों से गुजारिश है कि उसको थोड़े दिन घर में रहने, वरना वो वहां सबको परेशान करेगा। हदीस में आता है पिछली उम्मतों में एक पैगंबर थे, बहुत सख्त लड़ाई थी, जिहाद के लिए जाना था, तो बहुत सख्त लड़ाई थी, तो उन पैगंबर ने हुक्म दिया कि जिसकी शादी होने वाली है या जिसकी अभी अभी हुई है उसको हमारे साथ जाने की इजाजत नहीं। सही हदीस है, क्योंकि उनको पता था लड़ाई इतनी सख्त है, जिसकी नई नई हुई है ये बिल्कुल होने वाली है, उसका दिल कांट का रहेगा घर पे, वो लड़ेगा नहीं, कहेगा यार मर ना जाऊं कहीं, अभी नई नई शादी हुई है, और अगर उसको मरने का खौफ ना भी हुआ तो घर भागने की छुट्टी में ही टाइम हमारा भी वेस्ट करेगा, बार बार आएगा। वो मसला है कि वाले साहब बीमार हैं, उनके गुर्दे में मसला हुआ है, यही होता है ना। हम अपने तलबा को देखते हैं जिनकी नई नई शादी हुई हो ना, वो मदरसे में छुट्टी कैसे, शादी के नाम पे तो छुट्टी मांगते हुए शर्म आ रही होती, वो ये कर रहे होते हैं यार वो असल में वालदा बहुत परेशान है, कई दिनों से उनकी ज़ियारत नहीं की है, और ये ऐसे ड्रामे हमें पता होता है मसला इसके साथ क्या है, अभी बेचारे की नई नई शादी हुई, पुरानी हो जाए ना उसको फिर लेके जाओ फौरन जाएगा वो, आई बस वो कहेगा कि चिल्ला लिखवाया था इसको 4 महीने में क्या कर ले, उसको बड़ा अच्छा भागने का मौका मिलेगा। खैर ये तो जो नई नई हुई हुई हो उनको तबलीग वाले मेरा ख्याल है थोड़ा ख्याल करते भी हैं इसका। الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسول